Welcome to ASAP Science. Hope you are doing well. This is the third part of Matter and Our Surrounding, Chemistry Chapter Number 1, Class 9. If you didn't watch the previous parts, then watch them too. So let's begin with this part. So in this, we are here to see the overview of this chapter first, right? So in that, firstly, I'm having a matter. We have already discussed what is matter. So matter is anything that has mass and that occupies space. Okay, this is known as matter. And after that, we have defined some state of matters on the basis of physical properties as well as on the basis of chemical properties. हमने physical properties और chemical properties के basis पे इन जो matter की जो states थे उनको divide किया था. फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे आइस, वाटर, वेपर्स, तो ये हमारे पास फिजिकल स्टेट की प्रॉपर्टीज आ गई. और केमिकल की कौन सी आ गई, कि किसके बिहाफ पे वो चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपके प्रेशर, तो ये सारी क्या आ जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, राइट. तो उनके बेसिस पे वी हैव कन्वर्टेड एंड फॉर्म दीज फाइव स्टेट्स सॉलिड. Those materials which are having definite mass and definite shape, right? Liquid are having definite volume but not definite shape. And as well as gases, यहाँ पे हमारे पास क्या है, definite shape and volume. इसमें क्या है, definite volume but not shape, क्लियर. और इन केस ऑफ गैसेस ऑल्सो, गैसेस में वी हैव टॉक अबाउट नो शेप एंड नो वॉल्यूम, नो शेप, नो वॉल्यूम. सो देयर वॉज अनदर स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. तो प्लाज्मा में क्या होता है, वी टॉक अबाउट द सुपर एनर्जेटिक, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे, बेसिकली वी टॉक अबाउट द सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ठीक है. सो बेसिकली ये किसकी फॉर्म में होता है, आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में होता है, आयोनाइज्ड गैस की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. आयोनाइज्ड गैस मतलब क्या, जो आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब्स होती हैं, जैसे आप CFL वगैरह यूज करते हो तो वहां पे ये जनरली हमारे पास मिलती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब्स वगैरह में प्लाज्मा ही हमारा प्रेजेंट होता है. उसके बाद नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. अब ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या चीज है, इसको जनरली हम BEC भी बोलते हैं, BEC, ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. इसमें जनरली हम क्या करते हैं, ये स्टेट हमारे पास कब बनती है, ये स्टेट हमारे पास तब बनती है जब हम किसी भी गैस को कूल करते हैं, यानी गैस को कूल करने के बाद, गैस को कूल करना है ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब ऐसी गैस जिसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, एक्सट्रीमली लो, बहुत कम डेंसिटी है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ठीक है. तो इस केस में क्या करेंगे हम, कि इसको क्या करेंगे, कि इसको सुपर लो टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, ठीक है. यानी कि कब, जिसे कब बनती है, गैस को कूल करने से बनती है. कहाँ पे कूल करने से बनती है, जब हमने टेम्परेचर को बहुत कम डेंसिटी और बहुत कम टेम्परेचर दिया हो, उस टाइम पे क्या बनती है, हमारे पास स्टेट फॉर्म हो जाती है. हमारा थर्ड पॉइंट आता है जिसमें हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में जो उसकी डिफरेंट स्टेट्स थी उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की थी, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात की थी, डेंसिटी के बारे में बात की थी. देयर वर वेरियस फैक्टर्स, यानी डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हमने इनके डिफरेंसेस के बारे में बात की थी. दैट वॉज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट. उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की जो स्टेट है वो चेंज कैसे होती है, मतलब हाउ वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. तो उसका कुछ पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हमने बताया था आपको सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस में कौन कौन से पॉइंट्स जो होते हैं, एट विच पॉइंट द सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड एंड एट विच पॉइंट द लिक्विड कन्वर्ट टू गैसेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट पार्ट. तो चेंज कैसे होता है और इसका क्या रीजन है, हाउ इट विल गेट चेंज, तो उसके लिए हम देख, बाय द इफेक्ट ऑफ
कैसे? बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज के हिसाब से, बाय द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, इन दोनों को चेंज करने से हमारी स्टेट्स क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं, राइट? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? लिक्विड से गैसेस में कन्वर्जन हो जाएगी इजीली. तो सिमिलरली फॉर द प्रेशर, जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, उसको कंप्रेस उतना ज्यादा कर सकते हैं. तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी के चांसेस किसमें होते हैं? गैसेस में होते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो फार अवे फ्रॉम द ईच अदर होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो मेल्ट होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ये सॉलिड सब्सटेंस जिस पॉइंट पे भी मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में जाता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. आगे आता है बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब लिक्विड हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट होता है और क्या बनते हैं उसके? वेपर्स बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. सो इन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के केस में हमारे पास क्या होता है कि जो टेम्परेचर है आइस का, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. टेम्परेचर जो आइस का है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द आइस टू वाटर. तो ये दोनों का टेम्परेचर एक पॉइंट पे सेम ही रहता है. मतलब जिस पॉइंट पे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होती है उस पॉइंट पे दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है. वो हम लेटेंट हीट में पढ़ेंगे कि कैसे सेम रहता है. ओके, तो बेसिकली इसमें यही होता है कि जो हीट जो है वो यूज हो जाती है किसमें? इसकी स्टेट को चेंज करने में. तो इसीलिए उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो पाता. तो जनरल केस में अगर हम बात करें, अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो रहा है. ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अगर हमने गैसेस को लिक्विफाई करना है, ठीक है, गैसेस को अगर हमने लिक्विफाई करना है, गैसेस को लिक्विफाई करने का बहुत इजी मेथड है, टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर को इंक्रीज कर दो. इस टाइम पे आपकी गैसेस क्या हो जाएंगी? गैसेस लिक्विफाई हो जाएंगी. ठीक है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन टेक द एग्जाम्पल. कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको कन्वर्ट करना है आपने लिक्विड में, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? टेम्परेचर कम कर दो, प्रेशर बढ़ा दो, गैसेस विल गेट इक्वली लिक्विफाइड. और आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि कूल करने से आपकी गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाएंगी. उसके बाद हमने बात की थी इवेपोरेशन के बारे में. इवेपोरेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इवेपोरेशन जो होता है एक सरफेस फिनोमेना होता है, बॉइलिंग जो होता है एक बल्क फिनोमेना होता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड चेंज होता है गैसेस में वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके बाद अगर बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो वो तो आपकी पूरी की पूरी बल्क में चेंज हो जाएगा. लेकिन इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो इवेपोरेशन है वो क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को? फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर मतलब कि बाहर टेम्परेचर कैसा है हमारे पास, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, वो सारे फैक्टर्स जो है वो जो क्या करते हैं आपके इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को. अब ठंडी बॉडी की इवेपोरेशन तो ऑब्वियसली नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वर्कआउट किया है तो बहुत ज्यादा स्वेटिंग हुई है, तो अगर हम आराम से जाके बैठते हैं कहीं पे तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्स जो है वहां से स्वेटिंग जो है वो क्या होनी शुरू होती है? रिलीज होनी शुरू होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? आपका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है. ओके, सेकेंड है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में अब क्या चीज है? अब फॉर एग्जांपल आपने एक लीटर पानी लिया, एक लीटर पानी को आप छोटे से बीकर में डाल रहे हो, उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास इट विल टेक अ मोर टाइम. ठीक है, आप घर पे भी इसको परफॉर्म करके देख सकते हो. लेकिन अगर आपने बड़े से बर्तन में उसी पानी को, 1 लीटर वाटर को ही आपने हीटअप करना है, तो वहां पे टाइम कम लगेगा. क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के बाद इवेपोरेशन कॉजेज इजिली. बात आती है हमारे पास विंड की वेलोसिटी. अब विंड की वेलोसिटी में हमने जनरल क्या बात करनी है कि जैसे जैसे आप कपड़े सूखने के लिए डालते हो, कपड़े बहुत ज्यादा गीले होते हैं, लेकिन अगर विंड की मतलब जो हवा चल रही है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो चीजें सूखनी शुरू होती है, क्योंकि उसमें से वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो कौन एक्वायर कर लेता है? आपका एनवायरमेंट एक्वायर कर लेता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी जो एक ऐसी चीज है आपके पास जिसमें हमने जो ह्यूमिडिटी है, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी ज्यादा आपके पास जो टेम्परेचर होगा, इवेपोरेशन होगी, वो क्या होगी? कम होगी. ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा उतना टेम्परेचर आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा? हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है, तो उस केस में हमने क्या बात करनी है जनरली? ह्यूमिडिटी की जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना इवेपोरेशन कम होगी. ठीक है,
तो उसके बाद आता है नेचर ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि लिक्विड आपका कैसा है, मतलब कंसेंट्रेटेड है, मतलब उसका उसकी कंसेंट्रेशन कितनी, उसकी डेंसिटी कितनी है, तो उसके ऊपर भी जो हमारे पास इवेपोरेशन का फैक्टर है वो डिपेंड करता है। तो इसमें हमने और क्या बात करनी, इवेपोरेशन के केस में क्या होता है कि जो सर्फेस पार्टिकल्स होते हैं, जो सर्फेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उससे ज्यादा सरफेस पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, ठीक है। और जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा। लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर द इवेपोरेशन रेट, हायर द इवेपोरेशन रेट। जितना आपके पास बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उतना रेट किसका हाई होगा, इवेपोरेशन का। और ह्यूमिडिटी के केस में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन अराइजेस, आपने मुझे उसका आंसर देना है इन द कमेंट बॉक्स कि कॉटन जो होती है दैट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वॉटर और वो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट ऑल्सो, ठीक है, और एक्सपोजिंग टू द एटमोसफेयर। तो वाई कॉटन इज बींग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वॉटर, ये यू हैव टू आंसर दैट इन अ कमेंट बॉक्स। देयर इज अनदर टेक्निक सब्लिमेशन, इसके बारे में, दिस इज अ टेक्निक। इसमें क्या होता है कि जनरली हम क्या सेपरेट करते हैं, हम मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेट द मिक्सचर्स, मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक है, सेपरेट द मिक्सचर्स, ठीक है। मिक्सचर को सेपरेट करते हैं जिसमें, ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जिसमें हमारा क्या होता है, हमारे पास जिसमें सब्लीमेबल वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें हम ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, सब्लीमेबल वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, ठीक है। अभी सब्लीमेबल का मतलब क्या है, सब्लीमेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा मिक्सचर जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलेटाइल हियर, वॉलेटाइल का मीनिंग होता है हमारे पास कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आप डेली लाइफ में देखना चाहते हो, एसीटोन जो हम नेल पेंट रिमूवर के लिए यूज करते हैं, और दूसरी एग्जांपल आप दे सकते हो सैनिटाइजर की, ठीक है। जैसे आप हाथ पे रब करते हो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, सबलाइन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वॉलेटाइल का मतलब होता है एकदम से उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया और गायब हो गया, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टेकन एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में वी हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ, एक हमारे पास एक यहाँ पे फनल मैंने लगाई है, ठीक है, उसको उल्टा करके एक ट्राइना डिश में लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद बर्नर लिया है, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है हमारे पास। उसके बाद इसमें क्या किया है, मैंने मिक्सचर लिया है किसका, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का। अब जिसमें से अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है, आपके पास सब्लीमेबल वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है, इसकी नेचर हमें ऑलरेडी पता है, और जो सॉल्ट है आपका वो नॉन वॉलेटाइल है, वो नहीं ऐसे गायब होता, ठीक है। तो इसका मिक्सचर हमने ले लिया, उसका मिक्सचर लेने के बाद हमने क्या किया, बर्नर से इसको जो हीट अप करना शुरू किया। और इतना याद रखना कि आपने जो फनल है उसको आपने कॉटन से बिल्कुल ढका हुआ है ताकि उससे फ्यूम्स जो है वो बाहर ना जाए। फिर क्या होगा कि इसमें जो ये मिक्सचर होगा इसमें से कुछ जो पार्टिकल्स होंगे आपके वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब वो धीरे धीरे फ्यूम्स जो है उड़ने शुरू होंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के उनको रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या होंगे, धीरे धीरे कंडेंस होकर वापस नीचे को आने शुरू हो जाएंगे। अब ये हमारे पास वेपर्स हैं, ये कंडेंस होके क्या हो जाएंगे, साथ साथ चिपकने शुरू हो जाएंगे इसके। अब ये साथ साथ चिपक रहे हैं तो धीरे धीरे ये सारे जितने भी इसमें अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर हमने डाला हुआ है, अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का, जितना भी अमोनियम क्लोराइड होगा वो आपके फनल में साथ साथ पे जो है वो क्या हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा, और वहां से हमारे पास क्या मिल जाएगी, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड की चीज हमें मिल जाएगी। और यहां से हम ये भी बता सकते हैं कि हमने इजिली किसको सेपरेट आउट कर लिया, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट आउट कर लिया। तो यहां से आपको इजी समझ आ गया कि सब्लिमेशन में हम जनरल कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलोअप करते हैं। सो लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो लेटेंट हीट का हमारे पास दो तरह की होती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन। तो फ्यूजन और वेपराइजेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने पहले ही देख लिया था। तो फ्यूजन में क्या होता है जनरली कि सॉलिड को अगर आप हीट दे रहे हो, जो टेम्परेचर उसको हीट दे रहे हो, तो लीनियरली वो टेम्परेचर जो वो राइज कर रहा है। तो यानी कि लेटेंट हीट जनरली फ्यूजन में क्या होती है कि एनर्जी चाहिए होती है हमें एक किलो सॉलिड को लिक्विड में
कन्वर्ट करने के लिए, एक किलो सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, समझ आ गया। और कहाँ कब कन्वर्ट करना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास यूनिट है प्रेशर के, ठीक है, सॉरी मतलब हमारे पास नोटेशन है प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी लेवल पे अगर हम बात करें तो वो होता है 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और इसको हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 1 ATM जो होता है आपके पास 1.01 × 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, रिमेम्बर इट, समझ आ गई बात। अब उसके बाद आता है हमारे पास कि हमारे पास एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी फ्यूजन कब होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे होगा जब 1 किलो सॉलिड जो आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद आता है कि जो पार्टिकल जो है 0 डिग्री वाटर पे, उसके पास ज्यादा एनर्जी होती है, जो पार्टिकल्स जो है वो 0 डिग्री आइस पे है, मतलब 0 डिग्री वाटर की, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास जो है हमारे पास एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द आइस, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पास आती है आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में भी सिमिलरली जो हमारे पास लिक्विड से गैस, यानी कि 1 kg ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब यहां पे बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और सिमिलरली यहां पे भी वही चीज होगी कि जो पार्टिकल स्टीम के हैं वो एट 100 डिग्री सेल्सियस उनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, वो इजिली मूव कर सकते हैं, इजिली मूव कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एनर्जी सबसे ज्यादा गैसेस पार्टिकल्स में होती है, तो स्टीम वाले पार्टिकल्स में ज्यादा होगी, उसके बाद आपके वाटर के, देन आपके सॉलिड के पार्टिकल्स में कम, सबसे कम जो है लीस्ट होगी वहां पे सॉलिड के पार्टिकल्स में होगी। यू गॉट इट। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद जो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस 0 डिग्री, हमारे पास टेम्परेचर के 2 स्केल्स हम मानते हैं, एक तो डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है केल्विन। आपने लोअर क्लासेस में इसका नाम जरूर सुना होगा केल्विन का, ठीक है, तो केल्विन जनरली हमारे पास SI यूनिट है टेम्परेचर का, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। SI का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया हुआ है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, इसको बोलते हैं केल्विन। तो जनरल हम जब भी हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, जब भी हमने कन्वर्जन करनी है, तो हम प्रेफरेबल जो है वो केल्विन में ही कन्वर्ट करते हैं। 0 डिग्री जो है आपका वो 273.15 केल्विन के इक्वल होता है, ये आपको नोटेशन याद रखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स में आगे काम आएगी। बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या, अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री है तो केल्विन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 273.15 ऐड कर दोगे तो वो कितना बन जाएगा, 373.15 बन जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद हमने बात करनी है लेटेंट हीट के बारे में, हमने बात की, अब हम देखेंगे कि इसमें कैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो रही है। और हमने बोला था कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है जबकि हमारे पास स्टेट चेंज हो रही है, तो लेट्स सी। तो इसमें हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे एनर्जी सप्लाई ले ली, हीट या एनर्जी सप्लाई, और इधर को हमने ले लिया टेम्परेचर, और एक जगह पे 0 डिग्री और दूसरी जगह पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। अब सॉलिड को यहाँ पे हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, इसको मैं कंटिन्यूसली हीट देती जा रही हूँ और लीनियरली राइज करता जा रहा है। कब तक राइज करता जा रहा है, जब तक वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच गया। अब मेल्टिंग पॉइंट उसका ए पॉइंट पे मैं ले रही हूँ कि उसका एक मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो एनर्जी अभी भी, ये नहीं है कि एनर्जी रुक गई है, एनर्जी अभी भी हम कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर ए पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो मान लिया कि मैंने Q1 एनर्जी उसको सप्लाई की थी। उसके बाद जब सॉलिड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे चला गया, तो उसके बाद भी मैंने एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी शुरू की, दोबारा एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो इट मीन्स क्या, फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन जो है इसका जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां पे जाके मैंने एनर्जी, जो एनर्जी तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो बी पॉइंट पे जाके उसने क्या हो जाएगा, सॉलिड से कंप्लीट लिक्विड में वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास आइस थी, आइस से डायरेक्ट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एक ही पॉइंट पे। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है और वाटर का भी 0 डिग्री है, तो ये कैसे हो पॉसिबल है हमारे पास, तो ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि जो मेरे पास, हमारे पास जो हीट यूज हुई, हीट कितनी यूज हुई, Q2 - Q1, यही हीट यूज हुई जो ए और बी के बीच में है, तो ये वाली एनर्जी जो हमारे पास यूज हुई है मैटर को चेंज करने में, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मैटर को चेंज करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं।
सिमिलरली फिर मैंने और हीट सप्लाई की और उस वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट था, जब वाटर मेल्ट हो गया तो उस पॉइंट से वो कहाँ चला गया, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे चला गया। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचा जाके तब भी मैं एनर्जी सप्लाई इसको कर रही हूँ, Q3 एनर्जी तब सप्लाई की। उसके बाद जब वो सी पॉइंट पे पहुंचा, सी से फिर वो उसने अपना क्या किया, डी पॉइंट तक चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों पॉइंट्स पे आपके पास बॉइलिंग पॉइंट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या बन गई, स्टीम बन गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर सेम रह रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि Q3 यानी Q4 माइनस Q3 की हीट जो है वही यूज हुई, हीट जो है वही अमाउंट ऑफ हीट जो है वही अब्सॉर्ब हो गई एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, इसीलिए हमारा टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो पाया। तो इसको क्या बोलेंगे, अब यहां से क्या था हमारे पास, वाटर था ना, लिक्विड था, लिक्विड से स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो क्या बन गई हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मे बी यू गॉट इट कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमारे पास क्या चीज होती है। ठीक है, अब आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड आई वॉन्ट दैट यू शुड आंसर देम इन कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मेरा जो आपके लिए है वो ये है, द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर देम इन कॉमेंट बॉक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सब्सटेंस है आपके पास ए, उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई है, उसको आपने लिक्विफाई कर दिया, बहुत इजीली लिक्विफाई कर दिया, तो आपने मुझे नेचर बतानी है कि ये सब्सटेंस ए कौन सी नेचर का है, क्या नेचर, कौन सी स्टेट का सब्सटेंस है, और उस स्टेट की चार प्रॉपर्टीज आपने देनी है। सेकेंड क्वेश्चन है कि क्लोथ्स जो हैं आपके, जो कपड़े हैं वो गर्मियों में सुखाना ईजी होते हैं और सर्दियों में नहीं, उसका क्या रीजन है। So these are two questions that you have to answer them in comment box and let me know if any queries, any problem related to this chapter, because this chapter is got completed. Now we will move to the next chapter, that is matter around us pure. तो मुझे बताइए comment box में अगर आपकी कोई भी queries हैं, कुछ भी problem आप face कर रहे हो इस chapter के regarding, कोई question है आपके तो please comment box में जरूर बताइए। And keep watching, keep learning. Thank you very much. Stay safe and be healthy. Thank you.